किताब में मिले किसी सूखे फूलों से नाजुक 96। स्थापित फिल्म समीक्षक दीपक दुआ के लिखे इस रेट्रो रिव्यू के साथ हाजिर हैं आपका रेडियो साथी सुशील। आज के सिनेमा स्कोप रिव्यूज में बने रहिए रेडियो प्लेबैक इंडिया के साथ। नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक। सुनते रहिए दोस्तों रेडियो प्लेबैक इंडिया। दसवीं की छुट्टियां हुई तो लड़की ने लड़के के शर्ट पर अपने पेन से स्याही छिड़कते हुए कहा, मुझे भूलना मत। इसके बाद ये बिछड़ गए। 22 बरस बाद ये दोनों फिर मिले। लड़के ने अब तक वो शर्ट थककर संभाल रखी थी और साथ ही संभाल रखे थे वो सारे पल जो उसने इस लड़की के साथ और इसके बिना गुजारे थे। आज इनके पास साथ गुजारने के लिए चंद घंटे ही हैं, लेकिन लड़की चाहती है कि कुछ और पल ये दोनों साथ रह लें। कुछ और पल, बस कुछ और पल। और इधर आप चाहने लगते हैं कि ये पल पूरी जिंदगी में क्यों नहीं बदल जाते हैं। ये एक तमिल फिल्म 96 की कहानी है। बहुत कम रोमांटिक फिल्में ऐसे होती हैं जो आपको अपने भीतर इस तरह से समेट लेती हैं कि आपको अपनी भी सुध नहीं रहती। आप पर्दे के होकर रह जाते हैं। उन किरदारों की पीड़ा आपको अपने लगने लगती है। उनकी मुस्कुराहट आपको सहज करती है तो उनका दर्द आपको चुभने लगता है। सी प्रेम कुमार निर्देशित ये फिल्म ऐसी ही है। राम आज एक नामी ट्रैवल फोटोग्राफर है, लेकिन वो अकेला है, बरसों से अकेला है। बरसों पहले स्कूल में उसने जानकी को चाहा था। 94 में वो स्कूल छोड़ गया। 96 में स्कूल का वो बैच खत्म हुआ। 2016 में ये सब लोग फिर से मिले हैं। जानकी सिंगापुर से आई है कुछ घंटों के लिए। वो इन कुछ घंटों का एक एक पल राम के साथ बिता देना चाहती है। और राम वो तो पहले से ही बीते तमाम पलों की गठरी को अपनी यादों में उठाए जी रहा है। कोई कहानी जब अपनी सी लगने लगे तो दिल को छूती है। इस फिल्म को देखते हुए हर उस शख्स को अपनापन महसूस होगा जिसने अलहड़ उम्र में किसी को प्यार भरी निगाहों से देखा होगा, जिसने किसी के रुमाल को हसरत से छुआ होगा, किसी फूल को किताब के पन्नों में संजोया होगा। लेकिन इस फिल्म की खासियत इसका ये अपनापन नहीं, बल्कि वो परायापन है जिसे देखकर मन में टीस उठती है, अपनी किसी अधूरी प्रेम कहानी की याद आती है, एक खालीपन का एहसास होता है, मन होता है कि ऐसे किसी के साथ न हो। दिल से दुआ निकलती है कि काश कुछ फिल्मी हो जाएं और ये दोनों उम्र भर साथ रहें। ऐसा दर्द, ऐसी पीड़ा होती है जिसे शब्दों में किसी को बता पाना मुमकिन नहीं लगता। और फिल्म का अंत आते आते आंखें न सिर्फ नम हो जाती हैं, बल्कि दिल एकांत तलाशने लगता है कि फूट फूट कर रोने। विजय सेतुपति और त्रिशा की जोड़ी बेहद लुभावनी लगती है। अक्षय कुमार के साथ हिंदी की खट्टा मीठा में आ चुकी त्रिशा का सर्वश्रेष्ठ काम दिखाती है ये फिल्म। राम की स्टूडेंट बनी वर्षा की बोलती आंखें लुभाती हैं। फिल्म की एडिटिंग बेहद कसी हुई है। गीतों के बोल कहानी के साथ निभाते हैं और संगीत का मिठास रस घुलती है। फिल्म की एक बड़ी खासियत है इसका कैमरा वर्क। ये अंग्रेजी सबटाइटल के साथ उपलब्ध है और हिंदी में डब होकर भी। तलाशिए और देख डालिए राधा कृष्ण की पवित्र प्रेम कहानी सरी की, ऐसी फिल्म कम ही बनती है। रेटिंग की जरूरत ही क्या है, रिव्यू सुनिए और फैसला कीजिए कि फिल्म कितनी अच्छी या खराब है। और हाँ, इस रिव्यू पर अपने विचार जरूर बताएं। I'm playing.
प्लेबैक इंडिया।